खबरें सुपर फास्ट अंदाज में बताते हैं। बिलासपुर में बीजेपी के जिला प्रवक्ता रोशन ठाकुर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर सफल करार दिया और कहा जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। हमीरपुर के बरसर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने साधा बीजेपी पर निशाना, का पेट्रोल पदार्थों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम जनता परेशान। बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर का आरोप, कहा जेपी नड्डा का दौरा रहा पूरी तरह से फ्लॉप। नूरपुर में जम्मू कश्मीर राइफल की सूरज गोरखा वेटनर्स ने किया मिलन समारोह का आयोजन। समारोह में पंजाब, हिमाचल और जम्मू के अधिकारियों ने लिया हिस्सा। कुल्लू में युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की हुई बैठक, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा सरकार ने युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ छल किया है। हमीरपुर में साहित्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में युवाओं को कहानी लिखने की दी गई जानकारी। शिमला में 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा अग्निशमन सेवा सप्ताह, लोगों को आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए कर्मचारी करेंगे जागरूक। राजगढ़ में 2 सालों के बाद जिला स्तरीय बैसाखी मेले का आगाज, शिरगुल देवता के मंदिर में उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। बिलासपुर में पहली बार होगी अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता, 44 खिलाड़ियों ने लिया भाग। 20 अप्रैल को होगा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। सोलन में चोरों के हौसले बुलंद, घर से पाइप पानी के पाइप लेकर फरार हुए चोर।